हजार लफ्जों में कहां, दिलों की होती है जुबान, वो जानते ही नहीं इसे होती है नजरों से बयां। जरा जरा सी आग है यूं अपने दिल को थाम ले, तू रोकता है क्यों भला, शरारते हैं इश्क की किसी किसी नसीब की, तू टोकता है क्यों भला। रा रा मैं आपकी बहन हूँ। आप ये सब इसलिए कह रही हैं ना क्योंकि मैंने आपसे पैसे मांग लिए हैं। आपको लगता है झूठ बोल रही हूँ मैं? भूल जाइए मैंने आपसे पैसे मांगे थे, मैं जा रही हूँ। बात सुनो मेरी, तुम मेरी माँ को कैसे जानती हो? उनको यहाँ लेके क्यों आई और तुम उनसे कैसे मिली? मुझे पूरी कहानी सुननी है। कैसी कहानी बताइए? और कोई नहीं है मेरी जिंदगी में, मेरी एक माँ थी जिसे मैं खो चुकी हूँ, बस यही है। मुझे नहीं मालूम किसी ने क्या बताया है आपको, लेकिन मैं यहाँ आई मदद मांगने क्योंकि मुझे आप पर भरोसा था जो कि आपने तोड़ दिया है। मुझसे गलती हो गई, मेरा तो कोई भाई था ही नहीं, नहीं चाहिए मुझे आपके पैसे। खेल खत्म हो गया, हमारा खेल खत्म हो गया। लगता है उसे सब मालूम हो गया है, उसने बात की किसी से और उसका रवैया बदल गया। मैं चुप नहीं रह सकती क्योंकि हम लोग बहुत बड़ी मुश्किल में फंस गए हैं। यार जानती हो वो तो एकदम मेरे करीब आ गया था, बड़ी मुश्किल से निकली हूँ वहां से। ठीक है ठीक है। अरे खैरियत है, मुराद के पास आई थी। मुझसे गलती हो गई, मैं उनसे दोबारा कभी नहीं मिलूंगी। हुआ क्या, तुम्हारा मुराद से झगड़ा हुआ है? अच्छा अच्छा रो मत, बस करो, चलो आओ कहीं बैठकर बात करते हैं। आपने बुलाया मुझे? आओ करीम, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। इसमें कहने की क्या जरूरत है? बात क्या है, कोई खास मिशन है क्या, या हशमत साहब ने कुछ कह दिया दोबारा? नहीं ऐसा कुछ नहीं, मुझे अम्मी के बारे में कुछ पता चला है। मां के बारे में? बिल्कुल। अच्छा तो कोई ऐसी बात है जो तुम्हें बहुत परेशान कर रही है? ये उन्होंने इसलिए किया क्योंकि मैंने पैसे मांगे थे, मैंने अपने लिए तो नहीं मांगे थे। ठीक है मगर रो नहीं, हमारी माँ पे कर्ज था। हर रोज कोई ना कोई कॉल करता है मुझे, कहते हैं अगर पैसे ना दिए तो तुमको कत्ल कर देंगे, अगर मैं अपने भाई से पैसे ना मांगू तो किससे पैसे मांगू जाकर। तुमने बिल्कुल ठीक किया कि उससे पैसे मांगे, लेकिन मुराद कभी भी पैसों के लिए मना नहीं कर सकता। देखो मुझे गलत मत समझो, मैं उन्हें ब्लेम नहीं कर रही, उनकी माँ जो उनको छोड़कर चली गई, मैं उन्हीं की बेटी हूँ। तुम ज्यादा परेशान ना हो, ठीक है मैं करती हूँ कुछ। हयात अगर मैंने वो कर्ज अदा नहीं किया तो वो लोग मुझे मार देंगे, उन्होंने धमकी दी है, भाई को कायल करने का मेरे पास वक्त नहीं है। फिक्र मत करो, मैं कुछ हल निकालती हूँ। कैसे? Thank you.
अजमी साहिबा आइए बैठिए। हुआ क्या है? परेशान हो गया हूं मैं। आपको ये वापस करने आई थी। लेकिन ये आपके पास आया कैसे? वो छोड़िए, मैं इसे नहीं रख सकती। अब इस बात का क्या मतलब है? पहले भी आप मुझे मुश्किल हालात में छोड़ गए थे। आखिर बताओ तो मैंने किया क्या था, क्या कसूर था मेरा? बस आप माजी को भूल जाइए। याद रखिए ये आज हमारी आखिरी मुलाकात है। अच्छा लाओ, जैसे तुम्हारी मर्जी। लेकिन मुझे मेरे वो लेटर्स चाहिए। किन लेटर्स की बात कर रहे हैं? आपने जो कार्ड लिखा था वो इसके अंदर मौजूद है। नहीं, वो लेटर्स जो मैं तुम्हें रोज लिखता था। कौन से लेटर्स की बात कर रहे हैं हशमत साहब? मैं रोजाना तुम्हें लेटर लिखता था अजमी, एक दिन भी नागा नहीं की है मैंने लिखने की। अजमी मैं तुम्हें रोज लेटर लिखता था और उसमें लिखता था कि मैं आऊंगा, मेरा इंतजार करना। लेकिन एक का भी जवाब नहीं दिया तुमने। मेरी वहां तबीयत खराब हो गई थी और जब मैं ठीक होकर वापस आया तब मुझे पता चला कि तुमने मेरे सबसे अच्छे दोस्त से शादी कर ली है। या क्या कह रहे हैं? मुझे आपका कभी कोई लेटर नहीं मिला। क्या 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 कहा? लेटर नहीं मिला? चला बेबी, आपको ये हशमत साहब को भिजवाना है। एड्रेस आपके पास मौजूद है। इसमें है क्या? तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। ज्यादा सवाल सेहत के लिए ठीक नहीं होते। टूवल, क्या भिजवा रही हो हशमत साहब को? हाँ? ठीक है, इस बारे में मैं तुमसे बाद में बात करूंगा। मुराद, मैं तुम्हारे पास ही आ रही थी। इतनी देर से कहां थी? मुझे काम था कुछ। क्या आपके पास आज कोई काम नहीं है मिस हयात? इसीलिए तो मैं यहां आई हूं। अब समझा नहीं? मैं समझाती हूँ। मेरा एपिक के साथ एक प्रोजेक्ट है और ये प्रोजेक्ट सार्टे का है, लेकिन प्रोजेक्ट के लिए पैसे नहीं है। अच्छा, इसीलिए हमें पैसे चाहिए। अब तो तुम कंपनी में पार्टनर हो चुकी हो। हाँ, पैसे तो तुम्हारे पास भी बहुत है। मेरे पास? हाँ बिल्कुल, पैसे हैं तुम्हारे पास। ओ, क्या ये सच है? हाँ, झूठ क्यों बोलूंगा मैं? फिर मेरे साथ मजाक कर रहे हो ना? डार्लिंग, ये कोई मजाक नहीं है। तुम आराम से घर जाओ और मेरे लिए अच्छा सा डिनर तैयार करके रखना। क्या सोच रहे हो अब तुम? मैं अब कुछ भी नहीं सोचता हूँ। डिनर में सब कुछ सच बता दूंगा। अच्छा, कौन सा सच? सबर भी कोई चीज होती है। इंतजार करो डिनर का। Yes. मिस्टर तैमूर आए हैं सर। उनसे कहो 5 मिनट वेट करें। ओके। ओके, शाम को डिनर पर मिलते हैं। तो फिर ठीक है, शाम को। हयात, İhtiyacım vardı. Hadi. Hmm.
आइए आइए तैमूर साहब आइए। बहुत शुक्रिया जी। तो क्या डिटेल्स हैं आपके पास? मुराद साहब, असल में वो लड़की चोर है और आपकी वालिदा ने कोई बच्ची अडॉप्ट नहीं की थी। क्या आपको यकीन है? 100% यकीन से। मैंने उस लड़की की फैमिली ढूंढ ली है, वो अनकारा के एक गांव में रहते हैं। लेकिन उसके पास मेरी माँ के बारे में इतनी मालूमात कैसे थी? ये पेशा है उन लोगों का। आप बहुत बड़े झूठ के घेरे में फंस गए हैं। कहीं ऐसा तो नहीं आपने उसको पैसे दे दिए हों? वो तो मैंने अभी नहीं दिए, मुझे उस पर पहले ही शक था। लेकिन क्या आप पुलिस में रिपोर्ट कराएंगे? नहीं, अभी नहीं। अभी उस लड़की के पास मेरी माँ है, वही पहुंचाएगी उन तक। मैडम, अभी पूरे पैसों का इंतजाम नहीं हुआ है, लेकिन मैंने कह दिया है 1 घंटे में इंतजाम हो जाएगा। कोई बात नहीं, बाकी पैसे बाद में आकर ले जाऊंगी। बहुत शुक्रिया। हयात मुझ पर भरोसा करती है, तुम देखना वो पैसे दे देगी। जब मैं रोई तो उसने यकीन कर लिया था, वो बहुत अच्छी है। हाँ, अभी वो पैसे ला रही है। बिल्कुल, और मैंने अपना बैग भी रेडी कर लिया है। ओके, जब मैं आऊँगी तो डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट कर लेंगे, मेरा इंतज़ार करना, ठीक है? कहाँ जा रही हो? वॉक करने जा रही हूँ। बैठो, मुझे बात करनी है तुमसे। जरूरी है क्या? वापस आ जाओ, फिर कर लेना। बहुत जरूरी है, बैठो। खैरियत तो है? ऐसा क्या हो गया आखिर? दरिया, अब इस मामले को मजीद नहीं खींचना चाहिए हमें। ये क्या है? मैंने अपने वकील से बात की थी, अगर हम दोनों एग्री हैं तो हम जल्द तलाक ले सकते हैं। तुम मुझसे तलाक लेना चाहते हो? मेरे ख्याल से तुम्हें इन पेपर्स पर साइन कर देना चाहिए, और वो भी किसी किस्म का तमाशा लगाए बगैर। ये क्या है निजात? मेरी जान, तुम किसी भी सूरत मुझसे तलाक नहीं ले सकते, और मैंने अजमी साहिबा को भी बता दिया है, और तुम्हें भी बता देती हूँ मैं कि इस घर से सिर्फ मेरी लाश ही जाएगी। समझ तो गए होगे तुम, और अब इसको मेरी नजरों से दूर ही रखना। मिस्टर निजात, मैं जा रही हूँ वॉक कर। तुम्हें तो मैं देख लूंगा दहरिया। कैसे लगे ये सब? पसंद आई तुम्हें? हाँ, अच्छे। अब मेरा तो पूरा इरादा है कि इन्हें मैं अपने नए कलेक्शन में इस्तेमाल करूं। The new collection for you only. अच्छा ख्याल है। तुम्हारी वाइफ की डिजाइनिंग बहुत अच्छी है। हयात ने बनाया है सब कुछ? जी बिल्कुल, बहुत जबरदस्त है। सिर्फ जबरदस्त? सुनो, मैंने पूरा इरादा कर लिया है कि अगर हम उसे सिखाएंगे तो वो बहुत अच्छा काम करेगी। ठीक कह रही हो, वो भी वैसे इस बारे में सोच रही थी। तुम्हें तो जीता जागता गिफ्ट मिल गया है भाई, द बेस्ट ऑफ द बेस्ट। हाँ, वो है तो बेस्ट, बस एक बुरी आदत है, वो कभी कभी झूठ बोल देती है।
झूठ आजकल कौन नहीं बोलता डियर? तुमने भी तो अपनी बहन के बारे में उसे नहीं बताया था क्या? आज उसे बता दूंगा। ओह शुक्र है, फिर तो सब ठीक हो जाएगा। लेकिन तुमने उसे बताने का फैसला क्यों किया? तुम तो सब छुपा रहे थे उससे। वो मेरी बहन नहीं है, वो एक मक्कार लड़की है टूवल। हकीकत पता चल चुकी है। मक्कार है वो? इतना बड़ा धोखा? शुक्रिया। कितना खूबसूरत है ना ये? बहुत शानदार। ये मेरी माँ की निशानी है। कुछ ही चीजें हैं जो मैं आग से बचा पाई। माफी चाहती हूँ, मैं भी ना, बस बेहतर होता कुछ ना बचता, सिर्फ माँ बच जाती। ज्यादा परेशान ना हो, मैं इसलिए यहां नहीं आई। असल में मैं सिर्फ एक चीज के लिए अफसरदा हूँ, वो ये कि जब मेरी माँ जिंदा थी तो मैं उन्हें भाई से नहीं मिलवा सकी। काश तुम ऐसा कर सकती, शायद फिर मुराद सारी उम्र तन्हा ना रहता। इसमें जरूर कोई माँ की मजबूरी होगी, मुझे यकीन है। अगर वो जिंदा होती और वो उस आग से बचा ली जाती तो वो मेरे भाई से माफी मांग लेती। चाला, हयात को देखा है तुमने? मेरे ख्याल से वो बाहर गई है मुराद सर। कुछ बता के गई कहाँ जा रही है? नहीं, आप कहें तो कॉल कर लूँ उन्हें। तुम अपना काम करो, मैं देख लूँगा। मुराद सर। जी लतीफ़ साहब, क्या बात है? सर ये बकाया रकम है जो मिस हयात ने निकलवाई थी, उस वक्त 2 लाख पूरे नहीं थे। 2 लाख निकलवाए थे? जी हाँ। ठीक है, एंड थैंक यू। क्यों निकलवाए? अब क्या कर रही हो तुम हयात? ओके, मैं अब चलती हूं। ये पैसे पूरे तो नहीं है मगर कम भी नहीं है। जाओ और जाकर अपना कर्ज उतार दो, पहले उससे जान छुड़ाना जिसका ज्यादा कर्ज हो। थैंक यू सो मच, मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। है थैंक यू। ओके, मैं अभी जाकर दे आती हूँ पैसे। पता नहीं कहां चलेगी, फोन भी नहीं उठा रही। तुम ये शहर छोड़कर क्यों जा रही हो? क्या तुम यहां नहीं रुक सकती? हयात वो बहुत बुरा शख्स है, मैं उसे ये दूंगी तो वो दूसरी पेमेंट मांगेगा। ये पेमेंट दे के मैं शहर छोड़कर चली जाऊंगी, ठीक है? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। अच्छा सुनो गजल, क्या मैं मुराद से बात करूं? नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं बिल्कुल भी। मैं ये पेमेंट दे दूंगी और फिर उसके बाद कोई ना कोई बंदोबस्त कर लूंगी मैं अपना। हयात तुम बहुत अच्छी हो, मेरे भाई को तन्हा मत छोड़ना। ऐसा कभी नहीं होगा,
सलाम कहना भाई को और बताना कि दुखी हूँ। हाँ बोलो मुराद। हो कहाँ तुम, फोन क्यों नहीं उठा रही थी? मैं जरा बिजी थी, ऑफिस आ रही हूँ बस। क्या गजल से मिलने गई थी? ऑफिस आकर सब बताती हूँ तुम्हें। कहीं तुमने उसे पैसे तो नहीं दे दिए हयात? क्या हो गया है, जरूरत थी उसे? अरे हयात क्या कर दिया तुमने, ये लड़की एक नंबर की धोखेबाज है। लेकिन बहन है ना वो तो तुम्हारी। वो बहन नहीं है मेरी, उसने हम सबको बेवकूफ बनाया है। हयात पूछ तो लिया होता। ऐसी बात है क्या? जल्दी जल्दी पीछा करें उसका। किसका मैडम? वो कार जो जा रही है उसका पीछा करें। अरे अब किसका पीछा कर रही हो तुम? अभी कुछ मत पूछो। हयात मुझे अपनी लोकेशन बताओ। आप जरा जल्दी करें, क्या तेज नहीं चला सकते? मैं गजल का पीछा कर रही हूँ, वो मेरे आगे वाली कार में है। कोई बेवकूफी की हरकत मत करना, मैं आ रहा हूँ। घबराओ नहीं, मैं हैंडल कर लूंगी सब। तुम कुछ नहीं करोगी, मेरा इंतजार करोगी, मैं पहुँच रहा हूँ। क्या आपने आज तक कभी किसी का पीछा नहीं किया? जल्दी करें, इतना स्लो क्यों चला रहे हैं? जल्दी चलाएं। एक तो इसका फोन नहीं लगता कभी। मुझे उल्लू बनाया और पैसे ले गई। भाई आप तो गाड़ी थोड़ा तेज चला ले। अरे आप तो अपना फोन उठाइए, आपकी कॉल आ रही है। रोजाना खत लिखता था। मैंने वो खत तुम्हें आंसुओं में डूब कर लिखे थे। क्या उन लोगों ने तुम्हें एक भी खत नहीं दिया आजमी? तुम बताओ मुझे आखिर कौन है वो गद्दार? यहां नहीं तो वहां तुम्हें हिसाब देना होगा न्याजी। तुम्हारा कोई खत कभी मुझे नहीं मिला, उन्होंने वो खत पुस्तक आने ही नहीं दिए। हर रोज नए इम्तिहान से गुजरती थी, लेकिन मैंने तुम्हें कभी नहीं भुलाया। तुम्हारा एक लफ्ज काफी था बस, मैं उसी पर जिंदगी गुजार सकती थी, लेकिन मुझे यकीन दिलाया गया कि अब तुम कभी वापस नहीं आओगे। कभी नहीं लौटोगे तुम। किसने बताया? न्याजी ने बताया? जी हाँ, उसने बताया था। हशमत अब किसी और को चाहता है। और शादी भी वो उसी से करेगा। हिसाब तो देना होगा न्याजी। दादा ये देखें, बिल्कुल सीधा लगा है ना? थोड़ा उस तरफ से इसको नीचे कर दो।
ठीक है, हाँ बस अब छोड़ दो, ठीक है। चलो तुम दोनों वहीं से निकल जाओ पीछे से, जल्दी चलो। यार क्या मसला है, ये लड़की मेरा क्यों पीछा कर रही है आखिर? बस 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 बस, गेट के सामने रोक दे गाड़ी। कहाँ मेरा फोन क्यों उठा रही? फिक्र नहीं करो तुम, मैंने गजल को ढूंढ लिया है, वो इसी बिल्डिंग में है, मैं जाकर लेती हूँ उससे पैसे। ये पैसे वैसे गए भाड़ में, तुम उसका पीछा मत करो, ऐसा ना हो तुम्हें नुकसान पहुंचा दे। लेकिन मैं पहुंच गई हूँ उस तक। मेरी बात मानो, जहाँ हो वहीं रुक जाओ, बस एड्रेस समझा दो, मैं पहुंच रहा हूँ तुम्हारे पास, और हिलना मत मेरे पहुंचने से पहले। आप ये बताएं कि डॉक्यूमेंट्स में कोई मसला तो नहीं? नहीं सब ठीक है, बस डॉक्टर के सिग्नेचर्स होंगे इस पे। ये फाइल मैं ले जाऊंगी। ठीक है ले जाएं, बस जरा जल्दी करवा लीजिएगा, आपके पेशेंट के पास किसी का होना जरूरी है। अच्छा ठीक है। सब कुछ ठीक है ना? हमें फौरन चलना चाहिए, नीचे टैक्सी खड़ी है दरवाजे पर। अंदर ही है, जल्दी चलो। तुमसे तो बाद में बात करता हूं। एक लड़की आई थी अभी यहां, गजल नाम है उसका। जी हाँ अभी आई थी। कहां मिलेगी वो लड़की हमें? वो अपने पेशेंट के साथ हैं, मगर आज वो डिस्चार्ज हो जाएंगे। ओह, क्या वो उसके रिश्तेदार हैं? जी हाँ उनकी कोई रिश्तेदार हैं। क्या आप मुझे उनका नाम बता सकती हैं? लैला अलमाज। Thank you.
मुराद, तुम उन्हें जानते हो क्या? अगर आप मिलना चाहते हैं तो मैं कॉल कर दूं उनको। रूम नंबर क्या है उनका? 105। शुक्रिया। दिखता नहीं क्या? सारी फाइल बिगाड़ दी। पता नहीं देखकर क्यों नहीं चलते। फसल, जल्दी करें, हमें निकलना होगा। व्हीलचेयर यहीं छोड़ें, जल्दी आ जाएं। रुकिए, रुकिए, मेरी बात सुने। मुराद,
वो यहाँ क्या कर रहा है? मैंने आपको बताया था ना, शक हो गया है उसे। यकीनन हयात ने ही बताया होगा। क्या मुसीबत हो गई है, पता नहीं ये लिफ्ट इतनी हल्की क्यों चल रही है। हमें जल्दी चलना होगा, वो आ ना जाए। वैसे गजल और मिसेज लैला में क्या रिश्ता है? गजल मिसेज लैला की नर्स है। अच्छा, तो नर्स है? जी हाँ, वो किसी दूसरी नर्स को पसंद नहीं करती, काफी क्लोज हैं दोनों। आप क्यों पूछ रही हैं? क्या आप उनकी रिश्तेदार हैं कोई? हाँ, क्या हुआ गजल, मिली तुम्हें? मुझे गजल का एड्रेस या टेलीफोन नंबर मिल सकता है? माफी चाहती हूँ आपसे, एम्प्लॉय की पर्सनल इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकती, मना है। वो लड़की जिसके साथ थी वो मेरी माँ है, मुझे उसका एड्रेस दे दीजिए। क्या तुम्हारी अम्मी? वो तुम्हारी अम्मी है? देख क्या रही है, जल्दी से एड्रेस दीजिए, वो मेरी माँ को ले गई साथ। आप ज्यादा चीखे नहीं, वरना मैं सिक्योरिटी को कॉल कर दूंगी। जिसको दिल चाहे कॉल करें, जिसको दिल चाहे बुला लीजिए, मैं आपके अस्पताल पर केस कर दूंगा। आपने मेरी माँ को उस लड़की के साथ जाने कैसे दिया? इसमें पेशेंट की मर्जी थी, उन्होंने साइन किए हैं, हम क्या कर सकते हैं? वो लड़की मेरी माँ को धोखा दे रही है, अगर उन्हें कुछ हुआ तो मैं आप लोगों को छोड़ूंगा नहीं, याद रखिए। सर आप बिल्कुल परेशान ना हो, गजल कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगी उनको। गजल ने उनको शराब की आदत से बचाया है, वो उनके साथ रहती है। शराब की आदत? जी हाँ, गजल काफी दिनों से मिसेज लैला के साथ है, जिसकी वजह से उसकी माली हालत बहुत खराब हो गई है। उफ, अच्छा तो ये सब पैसों के लिए था। तुमसे कहा था ना कि पैसे मत देना, तुम्हारी वजह से हुआ है सब कुछ। मुझ पे गुस्सा मत करो, सोचा कि वो तुम्हारी बहन है इसलिए उसकी मदद की। तुमने ये क्यों नहीं सोचा कि मैंने अपनी बहन को पैसे क्यों नहीं दिए? क्या मेरे पास पैसे नहीं थे, मैं नहीं दे सकता था? तुमने मुझे ये सब कुछ पहले क्यों नहीं बताया? क्या बहुत मुश्किल था ये सब बताना? गजल कौन है, मैंने कितनी बार तुमसे पूछा था? बहुत अच्छे, यानी सारा कसूर मेरा है। तुमने दिए हैं पैसे उस धोखेबाज को, समझी? तुम्हारी वजह से वो मेरी माँ को ले गई, ये भी मेरा कसूर है। हाँ, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, हरगिज नहीं थी। अब कहाँ जा रहे हो? जहन्नम में जा रहा हूँ मैं, चलोगी साथ? ठीक है जाओ, वहीं रहना, वापस मत आना वहां से। असली इमरजेंसी है, अभी कोई सवाल मत पूछना। हमें उस मकार गजल के बारे में पता लगाना होगा, अभी मैं साटे जा रही हूँ। तुम जल्दी से अपनी उस फ्रेंड को फोन करो और मिलो मुझसे साटे में।
हर लफ्जों में कहां, दिलों की होती है जुबान, वो जानते ही नहीं ऐसे होती है नजरों से बयां।